नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरें क्विक 25 के जरिए। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा, शाम 4 बजे विलय का ऐलान होगा। पत्नी रंजीत रंजन पहले से कांग्रेस की नेता। एसपी की सहयोगी अपना दल का बड़ा फैसला, इंडिया से अलग चुनाव लड़ेगी पल्लवी पटेल की पार्टी। एसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर आई है पल्लवी पटेल। दिल्ली में वरुण गांधी पर रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले बीजेपी ने वरुण का टिकट काटा तो हम कर सकते हैं विचार। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर बोले अखिलेश यादव, वरुण गांधी से कोई संपर्क नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य से भी संपर्क नहीं, हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। अशोक महतो ने लोकसभा टिकट के लिए की शादी, 16 साल छोटी पत्नी को मुंगेर से लड़ाना चाहते हैं चुनाव, ललन सिंह के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, एलजेपी की बैठक में इस बात का फैसला हुआ। पशुपति पारस के हाजीपुर से लड़ने पर बोले चिराग पासवान, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। बदायूं की घटना पर बोले अखिलेश यादव, एनकाउंटर से नाकामी को नहीं छपाया जा सकता सरकार की तरफ से, पुलिस सतर्क रहती तो दोनों बच्चों की जान नहीं जाती। एसपी के बदायूं कांड वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले जनाधार खिसकने के डर से समाजवादी पार्टी कर रही है बयानबाजी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है योगी सरकार। बदायूं डबल मर्डर मामले में बड़ा अपडेट, पुलिस ने आरोपियों के पिता और चाचा को पकड़ा है, बाबू और कयामुद्दीन को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बदायूं मामले में पीड़ित परिवार की मांग, खून के बदले खून के नारे लगाए आयुष आहान का हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़। टीवी 9 से बातचीत में बोली आरोपी साजिद की पत्नी, साजिद से 8 दिन पहले हुई आखिरी बार बात, गर्भवती होने की बात को बताया गलत। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा कि कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, एडीआर की मांग आधारहीन है, आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका को खारिज किया जाए। चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं पशुपति पारस, 4 सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया है, प्रिंस ने चिराग को बताया अपना अभिभावक। सीट बंटवारे पर टीवी 9 से बोले उपेंद्र कुशवाहा, हर दल चाहता है ज्यादा शेयर, अब सामूहिक फैसला हो चुका है, बिहार में एनडीए 40 सीटें जीतेगी। या मोदी का विपक्ष पर तंज, राजनीति में भी कुछ लोगों को बार बार करना पड़ता है लॉन्च, तीसरे टर्म में देश को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाऊंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा केजरीवाल आखिर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, पेश होने में तभी तो पता चलेगा कि ईडी आखिर चाहती क्या है। 22 अप्रैल को अगली सुनवाई है इस पूरे मामले पर। पटना में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला, आरजेडी के सभी फैसले लेंगे लालू प्रसाद यादव, सभी फैसले लेने के लिए किए गए हैं अधिकृत। सोर्सेस के मुताबिक आज दिल्ली में महाराष्ट्र के महायुति नेताओं की बैठक है, सीएम शिंदे, फडणवीस, अजित पवार समेत पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं शामिल। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जांच में जुटी है पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पश्चिम बंगाल में छोटे बच्चों की दयनीय स्थिति को लेकर एनसीपीसीआर ने राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट, कहा बम के हमले में घायल बच्चों का इलाज कराने में सरकार नाकाम। मतदान को लेकर चुनाव आयोग का निर्देश, चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान करें कोरोना संक्रमित या संदिग्ध, 85 साल से ज्यादा और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा। एल्विश शाह केस में एफआईआर की कॉपी सामने आई, पहले 5 आरोपियों से बरामद हुई सांपों की फोटो, 1.5 साल के बच्चे के साथ सीमा लांघकर पाकिस्तान गई भारतीय महिला की वापसी, भारतीय सेना के प्रयास से 46 दिन के बाद घर लौटी महिला, महिला से पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली में पार्किंग माफियाओं के खिलाफ एमसीडी चलाएगी अभियान, टीवी 9 भारतवर्ष से बोली दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय, दिल्ली में केवल 403 पार्किंग वैध है जबकि कई गुना ज्यादा चल रही है अवैध पार्किंग।